समाजवादी पार्टी में मचा घमासान अभी भी जारी है। आज सुबह से खबरें आ रही थी कि पार्टी से बर्खास्त किए गए मंत्रियों की समाजवादी पार्टी में वापसी हो सकती है। इसको लेकर सुबह से बैठकों का दौर जारी रहा। इस बीच आज मुलायम सिंह यादव मीडिया के सामने आए, लेकिन इस दौरान उन्होंने मंत्रियों की वापसी का कोई ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा कि शिवपाल को वापस लेने के बारे में फैसला सीएम करेंगे। हालांकि मुलायम सिंह यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवपाल यादव और बर्खास्त मंत्री भी उनके साथ उपस्थित रहे। बताया जा रहा था कि अखिलेश यादव भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले थे, लेकिन वो नहीं हुए। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि हमारा परिवार और पार्टी एक है और सब कुछ ठीक चल रहा है। उन्होंने कहा कि अमर सिंह को बार बार बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने यह भी साफ किया कि उनका मुख्यमंत्री बनने का कोई विचार नहीं है। साथ ही अखिलेश के सीएम बनने से कोई आपत्ति नहीं है। 2017 में पार्टी के नेता के सवाल पर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि इस पर फैसला बहुमत के बाद करेंगे, विधायक ही अपना नेता चुनेंगे। वहीं राम गोपाल यादव पर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि उनकी बात का कोई महत्व नहीं है। तो समाजवादी परिवार में घमासान जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि पार्टी में सुलह का फॉर्मूला ढूंढ लिया गया है। बार बार मुलायम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि परिवार में सब ठीक है, लेकिन आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश का ना होना अभी भी यही बता रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखते रहिए टीवी लाइव।